हेलो एवरीवन, दिस इज शानीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। यहां पर बात करेंगे यानी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में यहां पर कौन कौन से लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी आर्ट की यहां पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आर्ट में यहां पर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। काफ़ी यहां पर कॉमेंट्स आ रहे हैं कि उनके पास यानी कि टेक्निकल आर्ट तो है लेकिन ग्रेजुएशन में आर्ट नहीं है, या उन्होंने बीएससी कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी आप ये पूरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप कॉमेंट करिएगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, लेकिन पहले आपको यहाँ पर पूरी क्लास देखनी होगी, उसके बाद ही आप लोग कॉमेंट करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके डाउट्स जो हैं पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे अगर आपने कायदे से यहाँ पर वीडियो देखी तो, ठीक है। आर्ट में काफ़ी डिप्लोमा काफ़ी डिग्री हैं जिसकी वजह से हो रहा है, और अलग अलग लोगों ने अलग तरीके की डिग्री कर रखी है, इस वजह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। चलिए, ये क्लास सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ही नए हैं, मतलब बहुत ही नए का मतलब जो नए हैं, जो पहली बार यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, जो पहली बार यहाँ पर यूपी टीजीटी या पीजीटी का पेपर देंगे, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल ये रहेगा, ठीक है। और जो पुराने हैं, जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो उनको चीज़ें पता ही होंगी। ये नए स्टूडेंट के लिए खासकर बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर बात करें। यूपी टीजीटी की पहले बात करेंगे, फिर हम लोग बाद में यूपी पीजीटी की बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए, मैं पहले तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर एज से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम एज आपकी होनी चाहिए 21, और मैक्सिमम एज जो आपकी है रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, यानी 21 साल से आपकी एज यहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा का यहाँ पर कोई भी नहीं, यानी कि रिटायरमेंट में जितनी एज होती है बस उतनी एज आपकी हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 21 साल से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का बता दूँ बीएड का। इसमें आपको बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आठ सब्जेक्ट से यहाँ पर बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 125 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं? 125 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर कितना होता है? टोटल नंबर होता है 500 का। तो इस तरीके से टोटल नंबर 500 का, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका कितने का पड़ा? चार नंबर का एक क्वेश्चन पड़ा। जब आप जो है चार को, जब आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे और 500 का टोटल है, जब आप 125 को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 500 आ जाएगा। बाद में आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक नंबर, एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बीएड ज़रूरी नहीं है आर्ट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी। देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला चीज़ आपके पास है, राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले आपका टीचर ड्राइंग टीचर के सर्टिफिकेट्स के नाम से था, ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी टीजीटी की मैं बात करूँ, हाँ, एलटी ग्रेड की यहाँ पर बात नहीं हो रही। एलटी ग्रेड का जो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल इसकी अलग है, एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी बिल्कुल इसकी अलग है। एलटी ग्रेड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात हो रही थी टीजीटी की। अब यहाँ पर देखिए, प्राविधिक कला, अगर मान लीजिए आपने प्राविधिक कला से इंटर किया है, फिर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेक्निकल आर्ट से, ठीक है, अगर आपने इंटर किया है, और साथ में आपके पास बीए है, या ग्रेजुएशन मैं लिख देती हूँ सीधे, ग्रेजुएशन है, अब ग्रेजुएशन मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे आपने कर रखा हो बीए नॉर्मल, या आपने कर रखा हो बीकॉम, या आपने कर रखा हो बीएससी कर रखा हो, या आपने कोई बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपके पास डिग्री है और टेक्निकल आर्ट है इंटर में, तो आप यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आया? समझ लीजिए पहले मेरी बात, फिर आप लोग कॉमेंट करिएगा। पहले पूरी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कॉमेंट करिएगा। टेक्निकल आर्ट अगर आपके पास इंटर में है और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप पहले तो समझ लीजिए। और सिर्फ टेक्निकल आर्ट किसके लिए ज़रूरी है? सिर्फ यहाँ पर बॉयज़ के लिए ज़रूरी है। चलिए, वो मैं बाद में बताऊँगी, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बाद में बताऊँगी, अभी मैं बॉयज़ को लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, अभी मैं बॉयज़ को लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, समझ में आया? अभी मैं सब बताती हूँ।
फिर इसके अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल आर्ट वाला हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास इंटरमीडिएट की टेक्निकल आर्ट नहीं है, हाई स्कूल में आपके पास टेक्निकल आर्ट है, यहाँ पर आपका ये है हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट है, तो आपको हाई स्कूल के साथ साथ और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि हाई स्कूल प्लस आपका ये वाला दो चीज़, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर या ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ आपने बीए कर रखा हो, ठीक है, हाई स्कूल प्लस ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ अगर बीए कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? टीजीटी आर्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कला भवन मैंने बता दिया, इसके अलावा राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, किसका? टीजीटी का। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आगे अगर मान लीजिए कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा आपने दी है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर के मे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, सुनते रहिएगा चीज़ें, लाहौर के मे स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा है और साथ में आपके पास हाई स्कूल में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर आप बॉम्बे ड्राइंग वाले काफ़ी यहाँ पर लोग पूछ रहे थे, बॉम्बे ड्राइंग जिनके पास है वो क्या करें। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए हाई स्कूल में आर्ट है, ठीक है, टेक्निकल आर्ट है, फिर आपने बॉम्बे ड्राइंग कर रखा है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने बॉम्बे ड्राइंग कर रखा है, ये बॉम्बे ड्राइंग जो है ये आपका बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, ये आपका बॉम्बे ड्राइंग यानी आईजीडी बॉम्बे से ही आई थिंक रिलेटेड है, ठीक है, आईजीडी बॉम्बे से ही रिलेटेड है, मैंने गूगल किया था तो उसमें मुझे ऐसा लगा, और वैसे आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली बॉम्बे आर्ट की मुझे लग रही डिग्री, ठीक है, तो बॉम्बे आईजीडी बॉम्बे आर्ट जो नहीं होता उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हाई स्कूल में अगर आपके पास आर्ट है और प्लस आपके पास आईजीटी बॉम्बे है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, किसमें? टीजीटी में, ना कि पीजीटी में। फिर इसके अलावा बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट स्कूल ऑफ परीक्षा, आर्ट स्कूल परीक्षा अगर है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी की यहाँ पर बात हो रही है, समझ में बात आया। इसके अलावा मैं बता दूँ, टेक्निकल आर्ट सिर्फ आपकी किसके लिए ज़रूरी है? कह सकते हैं बॉयज़ के लिए ज़रूरी है, यानी कि देखिए समझिए, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, एक तो आपकी निकलती है बालक वर्ग की, और दूसरी आपकी होती है बालिका, समझ लीजिए तभी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने पहले ही कहा ये उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल नए हैं, बालक वर्ग में जो है बालिका वाली जो है, यानी कि जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बालक वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन जो बालक वाले हैं ये लोग इसमें क्या फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो अगर आप बालक वर्ग में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है, यानी कि बालक वर्ग के लिए टेक्निकल आर्ट यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है, बालक वर्ग के लिए टेक्निकल आर्ट यहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। बालिका वर्ग के लिए यहाँ पर टेक्निकल आर्ट की बाउंडेशन नहीं है, टेक्निकल आर्ट की जगह आपके पास कोई भी आर्ट हो तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इंटर में आपके पास, यहाँ पर मैं बात फिर से बता रही हूँ, इंटरमीडिएट वाली जो आर्ट होगी आपके पास, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल में अगर आपके पास आर्ट है, तो साथ में आपके पास ग्रेजुएशन में भी आर्ट होनी चाहिए, ठीक है, समझ में बात आई, मैंने ऊपर बताया, सिर्फ इतना समझ लीजिए, टेक्निकल आर्ट सिर्फ बॉयज़ के लिए है, और इसके अलावा गर्ल्स के लिए कोई भी तरीके की आर्ट हो और सारी चीज़ें आपकी वही हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, समझ में बात आई। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट यहाँ पर ज़रूरी है, हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है, और गर्ल्स अगर अपनी ही कैटेगरी यानी कि बालिका कैटेगरी में ही भरती, तो मैं बात कर रही हूँ, मतलब गर्ल्स हैं और अपनी कैटेगरी में जाती हैं, तो उनको टेक्निकल आर्ट की जगह पर अगर उनके पास सिंपल कोई आर्ट है तब भी ये फॉर्म यहाँ पर भर सकती हैं। लेकिन अगर यही गर्ल्स इसमें जाएंगी तो उनको टेक्निकल आर्ट लेने की ज़रूरत है, टेक्निकल आर्ट के बगैर ये इस पोर्शन में इनके कॉलेजेस में नहीं जा सकती हैं। इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पीजीटी की बात करते हैं। हाँ देखिए, मैं बता भी दूँ यहाँ पर क्या कहाँ पर ऐसा लिखा है। ये देखिए, बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रविधिक कला की योग्यता में पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर छूट है, ठीक है, यहाँ पर छूट लिख रखा है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, जिनके पास टेक्निकल आर्ट नहीं है तो वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बात। लेकिन उनके पास इंटर में टेक्निकल आर्ट नहीं, सिंपल ड्राइंग डिज़ाइन है, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन लेकिन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीजीटी की बात करते हैं। इसके भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ज़रूर लिखिएगा, मैं बताऊँगी। देखिए पीजीटी की अगर बात करें, यहाँ मैं पीजीटी सिंपल में लिख रही हूँ, पीजीटी आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, अगर आपके पास इंटर में आर्ट है, कौन सी आर्ट? टेक्निकल आर्ट,
ठीक है, और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है, ग्रेजुएशन मैं सीधे ग्रेजुएशन लिख देती हूँ, ग्रेजुएशन लेवल की आर्ट है, ठीक है, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं किसमें, पीजीटी में यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, समझ में आया। फिर से सुनिए, पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, इंटर में आपके पास टेक्निकल आर्ट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी आपके पास टेक्निकल आर्ट होना चाहिए और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी हो आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास आर्ट हो चाहे ना आर्ट हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास इंटर में आर्ट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आर्ट होनी चाहिए। अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास टेक्निकल आर्ट होनी चाहिए, अगर गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कोई भी आर्ट होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल में वो गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं, लड़कियों में आते हैं और अपने ही वर्ग में भरना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्ट आपकी, यानी कि ड्राइंग डिज़ाइन अगर आपके पास इंटर में है और साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूँ, ड्राइंग डिज़ाइन मान लीजिए किसी ने ड्राइंग एंड पेंटिंग से ना कर रखा हो तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, समझ में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा मान लीजिए इंटर में आपके पास आर्ट है, यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर इंटर में आपके पास आर्ट है यानी कि प्राविधिक कला हो, प्राविधिक कला बॉयज़ के लिए चाहिए और प्राविधिक कला बॉयज़ के लिए चाहिए और गर्ल्स के लिए कोई भी कला हो। साथ में आपका कार नंबर पर देखिए लिखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ, यहाँ पर बड़ा मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीए हो, ठीक है, या आपका कला भवन शांति निकेतन का फाइनल डिप्लोमा हो, या कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा हो, या लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट मतलब हो, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉम्बे ड्राइंग वाला नहीं चलेगा, पीजीटी के लिए आपके बॉम्बे ड्राइंग वाला नहीं चलेगा, पीजीटी के लिए सुनिए, पीजीटी के लिए आपका जो है बॉम्बे जो ड्राइंग है वो आपका नहीं चलेगा, बॉम्बे ड्राइंग आपका नहीं चलेगा, ठीक, समझ में बात आई। तो यहाँ टीजीटी और पीजीटी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल भाषा में मैं आपको सीधे बता देती हूँ, सिंपल भाषा में, जिसमें कि आप लोग फिर ना कन्फ्यूज, टीजीटी और यहाँ पर पीजीटी टीजीटी के लिए आपके पास, ठीक है, टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या कह सकते हैं, टेक्निकल आर्ट होनी चाहिए, किसमें, इंटर में बॉयज़ के लिए, ठीक है, और गर्ल्स के लिए कोई भी आर्ट हो तो आप यहाँ पर टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है आपके पास, ग्रेजुएशन में आर्ट होनी चाहिए और प्लस टेक्निकल आर्ट किसमें, हाई स्कूल या इंटर में होनी चाहिए, मतलब इंटर में टेक्निकल आर्ट किसमें होनी चाहिए, इंटर में होनी चाहिए, फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट से, और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल आर्ट सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स कोई भी यहाँ पर आर्ट लिए तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसका भी टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी टोटल याद रखिएगा। हाँ, पीजीटी का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, पीजीटी में देखिए पीजीटी और टीजीटी, ठीक है, टीजीटी में सिर्फ रिटर्न एग्जाम होता है सिर्फ, इसमें 125 क्वेश्चन में ही आपका सिलेक्शन होना होता है, मतलब 125 क्वेश्चन आते हैं 500 नंबर के, वही होता है। इसमें आपका क्या होता है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों की यहाँ पर मेरिट बन करके तब यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो दोनों में 125 होते हैं लेकिन टोटल अलग अलग होता है, ठीक है, क्वेश्चन संख्या दोनों की एक है लेकिन टोटल यहाँ पर दोनों का अलग अलग होता है। तो समझ में आया आज, अब सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी डाउट हो तो आप बिना मतलब किसी शर्त के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगी, ठीक है, मैं बताऊंगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगी या कमेंट में ही मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। लेकिन आप पहले क्लास को पूरी देख लिया करें तब आंसर पूछा करें तो ज़्यादा समझ में आता है ना, आप पूरी क्लास देखते नहीं हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन का आंसर क्लास में होता है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपके वीडियो में होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप ज़रूर जो है वीडियो को पूरा देखा करिए, फिर क्वेश्चन किया करिए, और एलटी ग्रेड्स से रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी लेनी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चीज़ें मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए रखते हैं इतना ही, सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।